नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। किसान उच्च विद्यालय डंडई के शिक्षकों ने वित्त रहित शिक्षा नीति का विरोध कर पुतला दहन किया। डंडई मुख्यालय स्थित किसान उच्च विद्यालय के शिक्षकों ने वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ पुतला दहन कर विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानाध्यापक शंभुनाथ ठाकुर, संजय कुमार, अवधेश पाल ने बताया कि एकीकृत बिहार सरकार में 2 अक्टूबर 1985 को वित्त रहित शिक्षा नीति लागू की गई थी। उसमें स्कूलों को समायोजन में आने वाले वित्त के अभाव में तत्कालीन सरकार द्वारा ये नीति लागू की गई थी, यह आज तक लागू है। अलग राज्य गठन होने के बाद शिक्षकों व कर्मचारियों में आशा जगी थी कि झारखंड सरकार वित्त रहित संस्थानों को समायोजन करेगी। 40 वर्ष गुजर जाने के बाद भी ये नीति लागू है। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में समान काम के बदले समान वेतन देने व वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर शिक्षक व कर्मचारियों के विधानसभा में प्रशासनिक आयोग का गठन कर वेतनमान देने की घोषणा की गई थी। उक्तालोक में वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग को पत्र निर्गत किया गया था। उसके 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्रमिक प्रशासनिक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त रहित शिक्षा नीति का संयुक्त संघर्ष मोर्चा विरोध करती है। सरकार से वित्त रहित नीति समाप्त कर स्कूलों का समायोजन घाटा अनुदान देने की मांग की गई। मौके पर उपस्थित शिक्षक संजय कुमार, अवधेश पाल, जितेंद्र नाथ तिवारी, सत्येंद्र कुमार रवि, सत्येंद्र प्रसाद, इरशाद अंसारी उपस्थित रहे। धन्यवाद। वित्त रहित शिक्षा नीति का दहन इसलिए कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र में आज से 40 वर्ष पहले 20 किलोमीटर के अंदर में कोई भी उच्च विद्यालय नहीं था। तब इस क्षेत्र में 20 किलोमीटर के अंदर मात्र 5 व्यक्ति ही मैट्रिक पास थे और 9 व्यक्ति उसमें जो है मिडिल पास थे। आज स्थिति यह है कि हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी 25,000 है और उनमें कोई सिपाही है, कोई शिक्षक है, कोई पारा टीचर है, कोई जज है, कोई दरोगा हो गया, इस तरह से उन लोग हो गए और हम लोग जो है आज भूखे पेट हैं। मैं इतना कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि सरकार की पॉलिसी जो बनती है उग्रवादियों के लिए जो हत्यारा होता है उनके लिए 25-25 लाख रुपया पुनर्वास में दिया जाता है, घर दिया जाता है उनके पढ़ने वाले बच्चों को लिए, पढ़ने के बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए घर दिया जाता है, शहर में घर दिया जाता है, उनकी सुरक्षा दी जाती है। और क्या हमने गलत किया कि इतने बच्चों को मैट्रिक पास कराया और इस वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत हमको भूखे पेट रहना पड़ रहा है? क्या यह गलत है पढ़ाना या सेवा करना, शिक्षा दान देना? अगर यह गलत है तो यह नीति रहे, और अगर गलत नहीं है तो हम लोगों को वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करते हुए और हम लोगों का विद्यालय का अधिग्रहण करे। इस प्रखंड में, डंडई प्रखंड मुख्यालय में एक भी हाई स्कूल नहीं है, उच्च विद्यालय सरकारी उच्च विद्यालय मुख्यालय में नहीं है। यह कितना गलत बात है, मुख्यालय में एक सरकारी उच्च विद्यालय होना चाहिए। इस प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में उच्च विद्यालय हो गए लेकिन डंडई पंचायत मुख्यालय जहाँ है वहाँ भी अभी तक यहाँ जो है हाई स्कूल नहीं है सरकारी, और वित्त रहित में भूखे पेट शिक्षक कहाँ तक शिक्षा दान करेंगे? ये मुख्यमंत्री महोदय स्वयं महसूस करें कि भूखे पेट न हो ही गोपाला, राम भजन नहीं हो ही गोपाला। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम। जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। वित्त रहित शिक्षा नीति हाय हाय, वित्त रहित शिक्षा नीति हाय हाय, शिक्षा नीति का जी समझ में। आप बोलिए। वित्त रहित शिक्षा नीति झारखंड के लिए कोड़ है। झारखंड जैसे संपन्न राज्य में यहाँ पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार की गलत रवैया के कारण शिक्षा को उपेक्षित किया जा रहा है। वित्त रहित शिक्षा नीति ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, जिसमें कई शिक्षक दिवंगत हो गए वित्त रहित के कारण, वित्त के अभाव में, पैसे के अभाव में कितने शिक्षक दिवंगत हो गए, उनका सही समय पर इलाज नहीं हो पाया, उनके बाल बच्चे अशिक्षित रह गए। यह झारखंड के लिए बिल्कुल कोड़ है। और वित्त रहित शिक्षा नीति को जो भी सरकार आई,
मैं वर्तमान सरकार को ही नहीं कोस रहा हूँ, बल्कि जितनी सरकार आई आज 22-23 वर्षों के दरमियान, कोई भी सरकार इसको ख़त्म करने की इच्छा नहीं रखी। यह झारखंड के शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता को प्रदर्शित करता है। कोई भी सरकार इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए, इस तरह की इस नीति को समाप्त करने के लिए इसका पहल नहीं किया। आज हम लोग पूरे प्रखंड, पूरे प्रदेश में सभी विद्यालय में हम आप जिस तरह से अपने विद्यालय में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरह से आज हम वित्त रहित शिक्षा नीति का पुतला दहन करके विरोध कर रहे हैं। सरकार को इस चाहिए कि यथाशीघ्र इस कोह को समाप्त किया जाए, समाप्त करें। इसके लिए मैं पूरे झारखंड के सभी वित्त रहित संस्थानों से शिक्षक कर्मचारीगण सभी आज आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं, पुतला के दहन के विषय में आप बताएं। हम लोग वित्त रहित शिक्षा नीति के साथ जो है आज 43 साल से हम लोग गुजरते हुए आ रहे हैं। अब अभी तक 43 साल के दौरान वित्त रहित शिक्षा नीति पर सरकार तनिक भी किसी भी तरह की पहल नहीं की, और आज शिक्षक जो है भूख के मारे तड़प तड़प के मर रहे हैं। आज इन्हें अनुदान भी नहीं मिल रही है। प्रत्येक साल की भांति जो है इस साल अभी तक जो है इनकी बैठक नहीं हुई अभी तक, और शिक्षक की स्थिति चरमराई हुई है, जिसके कारण अभी तक हम लोग आस में रहे कि इसका बजट जो है मार्च के अंदर तक ही जो है पारित हो जाता है, जबकि अभी तक हम लोग वेट में हैं। आज 22 मार्च हो गया, लेकिन अभी तक सरकार की इसके लिए जो है कान पर जू तक जो है नहीं रेंगा। और इसमें 43 साल के दौरान जिस तरह से जो है वित्त रहित शिक्षा नीति चल रहा है, अभी तक बहुत सी सरकार आई, लेकिन ये कोढ़ की एक बीमारी बनी हुई है। सारा काम सरकार जो है कर रही है, लेकिन वित्त रहित के लिए कोई इसके लिए सोच विचार जो है सरकार नहीं कर रही है। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करे। हम लोग के मुख्य जो है कार्य यही है कि जितना भी जल्दी हो सके इसे समाप्त कर हम लोग को वित्त रहित कर दें। क्या नाम होगा? मेरा नाम शंभू ठाकुर, मैं किसान उच्च विद्यालय नई का प्रधानाध्यापक हूँ।